क्या प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को आज बस्ती से बस्ती को जोड़ा गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जो 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हुआ है उसके लिए देश के वैज्ञानिकों को, देश के स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया है, देश के लोगों का अभिनंदन किया है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से निवेदन किया है कि स्वच्छ भारत अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान चलने से तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां बंद हो जाती हैं, साथ ही साथ लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका निवेदन किया है। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि इस दीपावली में और जो अन्य त्यौहार हैं, इन त्यौहारों में लोकल सामानों की खरीदारी अधिक से अधिक। देखा जाता है प्रधानमंत्री जी के हर मन की बात में किसानों के उत्थान को लेकर वो बात करते हैं, लेकिन आरसीसी कल कही है कि किसान के काल ना बन जाए विधानसभा चुनाव को लेकर। आरसीसी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं कृष्ण गोपाल, अब वो हमको जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, चाहते हम उस पर तो चुके हैं। क्या लगता है आपको देश में किसान नाराज थे? देखिए भारत सरकार और मोदी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम किया शायद कोई सरकार नहीं करता। किसानों के लिए हम 3-3 बिल लेकर के आए, उनके हित में उनको अधिकार देने के लिए, उनकी सुविधा देने के लिए। वो बिल वो किसानों की नाराजगी नहीं है, कुछ ऐसे लोग नाराजगी है जिनको किसानों के नाम पर राजनीति करनी और जो किसान नहीं वो नाराजगी किसानों की नहीं है। किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल में 3 बार हम 2-2 हज़ार रुपया किस्त में दे रहे हैं किसानों को, खाद की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। खाद पर अभी डाया पर रेट बढ़ गया था, उसको पूरा रेट भारत सरकार ने सब्सिडी दे करके पूरा कर दिया, किसानों के ऊपर 1 रुपये का भार नहीं आया। तो किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए जितना अधिक से अधिक काम भाजपा सरकार कर पा रही है, अब ये देश की जनता जानती है। मैं किसी को कौन किसान है कौन नहीं है, मैंने कहा कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कौन किसान है कौन नहीं है ये देश की जनता बाखूबी जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।